एक्स एक्स का मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स ओनली एक्स एक्स फंक्शन ऑफ एक्स ओनली सिमिलर वे में वाई वाई को जो हम लोगों ने एज्यूम किया है फंक्शन ऑफ वाई ओनली अब डेल्यूबे dx क्या हो जाएगा डेल्यूबर dx यू जहां हमारा यह होता है दिस इंप्लाइज एक्स डेस वाई

इसको इक्वेशन इस इक्वेशन में सब किया जाए तो हम लोग को नया इक्वेशन मिल जाता है x डबल डैश वाई माइनस टू एक्स डैश वाई प्लस एक्स वाई डैश इक्वल टू जीरो अब इसी को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा वेरिएबल को हम लोग सेपरेट करते हैं इसके कहने का सेंस है कि x वाले को एक साइड रखेंगे y वाले को एक साइड रखेंगे Means, अगर आप वेरिएबल को सेपरेट करते हैं तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है इक्वेशन नंबर टू में अब सिमिलर वे में एंड एंड आर वेरिएबल्स कैपिटल जो ये डिनोट किया है इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली सिमिलरली कैपिटल वाई इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली मीन्स देयर इज वन पॉसिबिलिटी इक्वेशन टू जो हमारा है कि यह दोनों साइड हमारा इक्वल होगा अगर यह कॉमन कांस्टेंट के बराबर हो उस कॉमन कांस्टेंट को हम लोगों ने लेमडा नाम दिया है Therefore, अब दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं यह हमारा हो जाएगा x डबल डैश माइनस टू एक्स डैस एक्स इक्वल टू लेमडा जब आप इसको सॉल्व करेंगे यह क्या हमारा हो जाएगा x डबल डैश माइनस टू एक्स डैस माइनस लेमडा एक्स इक्वल टू जीरो हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया विद इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और जरिए इसका क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस टू एम माइनस लम्डा इक्वल टू जीरो सॉल्व करेंगे इसका वैल्यू आ जाता है या? Means, x जो वैल्यू हमारा आ रहा है सी वन ई टू दी पावर वन प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस सी टू टू दी पावर वन माइनस अंडर रूट वन प्लस एक्स अंडर रूट वन प्लस लेमडा इन एक्स यह जो हम लोगों ने सॉल्यूशन ऑप्टेन किया है दिस इज ऑप्टेन बाय द मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट जो आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है सिमिलरली सेकंड इसको अगर हम लैम्डा के बराबर इक्वेट करते हैं दिस इज इक्वल टू माइनस वाई डेस दैट इज वाई डेस प्लस लेमडा सॉल्यूशन इसका यह हो गया अब फर्स्ट से यू एक्स वाईक्वल टू एक्स एक्स वाई वाई दोनों वैल्यू सब कर दिए इससे हमारा ये आ गया दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन अब जो हमारा कॉन्स्टेंट ए और बी होता है यहां कोई यह हम लोग को एनएसी बाउंड्री कंडीशन नहीं दिया गया था इसलिए हम इसका वैल्यू नहीं ऑप्टेन करते हैं बट इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम द अननोन कॉन्स्टेंट ए एंड बी इज ऑप्टेड बाय द गिवन बाउंड्री कंडीशन अगर कोई कंडीशन दिया होता बाउंड्री कंडीशंस को उसको अप्लाई करके हम लोग कॉन्स्टेंट का वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं